हेलो गाइस, मेरा नाम राजेश है। मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें आपको ये पता चलेगा कि अगर आप जो अभी मैं वीडियो बताने वाला हूँ या सिखाने वाला हूँ और आप अच्छे से सीखते हो तो आपको लाइफ के अंदर बहुत जल्द ही एक अच्छे लेवल पर जा सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सफल बिजनेसमैन के गुण और क्षमताएं। अगर आप एक सफल बिजनेसमैन, अगर सक्सेस बिजनेसमैन बनना है तो उसके कुछ गुण होते हैं और क्षमताएं होते हैं जो आपके सामने में टॉपिक क्लियर करने वाला हूं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है कार्य में आनंद लेना 100%। कार्य में आनंद लेना 100%। क्या होता है ये कार्य में आनंद? जैसे आपने कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, जिस बिजनेस को कर रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए कि धक्का देकर वो बिजनेस कर रहे हो या अंदर से मन नहीं कर रहा है और जबरदस्ती उस बिजनेस को कर रहे हैं, उसमें आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप जो भी काम करो आपको बिल्कुल अंदर से मजा आना चाहिए कि वाओ क्या काम है, बड़ा मजा आ रहा है, इतना मजा आना चाहिए कि उसके अलावा और कोई चीज दिखनी नहीं चाहिए आपको। अगर कोई बोल रहा है कि चलो घूमने के लिए, नहीं यार इस काम को करने में बड़ा मजा आ रहा है, अंदर से फीलिंग आना चाहिए कि नहीं मैं जो काम करूं बड़ा अच्छा काम है और इसमें बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। उस काम को आप अगर अच्छे से करते हो, मजा लेकर करते हो, आनंद से करते हो तो आप उस काम में बहुत आगे तक जा सकते हो। अभी हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है गंभीरता। गंभीरता सीरियस। अगर कोई भी आप काम कर रहे हो, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो तो बिल्कुल सीरियस होकर करना चाहिए। अगर बाई चांस आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो एक घंटा खेलो या दो घंटा, बिल्कुल ध्यान से सीरियस होकर क्रिकेट खेलना है। अगर आप ड्राइवरी कर रहे हो तो अगर गाड़ी चला रहे हो तो आपको सीरियस से गाड़ी चलाओ। वैसे ही अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के अंदर आप दो घंटा दो, तीन घंटा दो या चार घंटा, बट चार घंटा जो देर हो बिल्कुल सीरियस होकर, एकदम सीरियस, एकदम फोकस के साथ, कि उसके बीच में आपके काम के बीच में इतना सीरियस रहो कि और कोई चीज ध्यान बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। जो हमारा तीसरा पॉइंट है आत्मविश्वास। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा, अगर आप बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, ये इसमें बहुत ज्यादा हर जगह पे ये इंपॉर्टेंट चीज है। विश्वास, आत्मविश्वास, खुद का विश्वास, सेल्फ बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो अगर उसके अंदर आप खुद से ये नहीं हो कि मैं ये कर सकता हूं तो शायद भगवान भी आकर आपके सामने खड़ा होकर ये बोले कि बेटा या आप ये काम कर सकते हो, बिल्कुल आप नहीं कर पाओगे। अगर भगवान भी कह दे तब भी, ये आपके अंदर कोई भी काम करो सेल्फ बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आत्मविश्वास, खुद का विश्वास कि नहीं ये काम मैं बेस्ट कर सकता हूं, मेरे सिवा कोई और नहीं कर सकता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोफेशनल एंड रिलेशनशिप। प्रोफेशनल और रिलेशनशिप दोनों अलग अलग पॉइंट है। ये अगर बात करूं मैं, अगर आप काम कर रहे हो तो ये हमारा एक प्रोफेशनल है। अगर एक घंटा या दो घंटा जब भी आप काम कर रहे हो तो उसको प्रोफेशनल ही करना है, रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आप रिलेशनशिप के काम करो, अगर बात कर रहे हो कुछ भी अपना रिलेशन पर्सनल हो गया, अगर ये कर रहे हो तो आप इसको बिल्कुल अलग कर दो, प्रोफेशनल को अलग कर दो। अगर आप प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो तो रिलेशन को इसमें बिल्कुल ही नहीं जाना है, ये दोनों अलग अलग टाइम पे दोनों काम करना है। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है जोखिम लेने से पीछे ना हटे, जिसको बोलते हैं रिस्क। अक्सर लोग बिजनेस नहीं कर पाते क्योंकि उसमें रिस्क होता है, बट समझने वाली चीज है कि हम रिस्क कहां नहीं लेते हैं, हम बचपन से रिस्क लेते हुए आते हैं। अगर चलना सीखा तब पर भी रिस्क था, अगर हम रोड पे निकलते हैं तब पर भी रिस्क है। अगर बात करो अगर बिजनेस में बहुत आगे तक जाना है, जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही आप एक टॉप लेवल पर जाने वाले हो, तो रिस्क लेने से पीछे बिल्कुल ही ना हटे। हर जगह हर कदम पर आपको रिस्क लेना होगा, जितना रिस्क उठाओगे उतना ही आगे बढ़ने वाले हो। थैंक यू।